चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। गुणांक अनुपात का नियम, यह नियम व्याख्या करता है भार के बारे में। इस नियम को देने वाले मामू का नाम है जॉन डाल्टन, जो 1803 में दिए थे। इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व जुड़ते हैं आपस में और बनाते हैं दो या दो से अधिक वाले यौगिक, तब एक तत्व का भार फिक्स्ड होता है जबकि दूसरे तत्व का भार अलग अलग होता है, और वह उत्पन्न करता है एक सरल पूर्ण संख्या वाला अनुपात। उदाहरण, कार्बन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का दो आइटम है तो 16 × 2 बराबर 32 ग्राम हो गया। कार्बन प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है। देखिए, 2 × 2 मतलब एक ऑक्सीजन बचा तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है। तो मास का अनुपात O2 का उपर्युक्त केसेस में तो एक ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है और एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, तो उसी को लिख दिया 32:16। तो 16 × 16 और 16 × 32, तो इसको लिख सकते हैं 2:1 मतलब 2:1। इसको पढ़ सकते हैं 32:16 और इंग्लिश में पढ़ते दोस्त 32:16। हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हाइड्रोजन का दो आइटम है तो 1 × 2 बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो H2 का एटॉमिक मास 2 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का दो आइटम है तो 16 × 2 बराबर 32 ग्राम प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 है। तो हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो 1 × 2 बराबर 2 ग्राम प्राप्त हुआ। तो H2 का एटॉमिक मास 2 ग्राम होता है। O2 में देखिए दोस्त, 2 × 1 तो 1 ही ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60 ग्राम होता है। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 ग्राम है और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो भार का अनुपात O2 का उपर्युक्त केसेस में है 32:16 मतलब 32:16 है। 16 × 16 और 16 × 2 = 32, 16 × 16 62 = 32, तो 2:1 आ गया। इसी को पढ़ते 2:1।